यू कुमार का नाम का, यू चमार का नाम का, यू लोहार का नाम का, यू सुनार का नाम का, अरे भाई यू पंडित का नाम का, यू मरासी का नाम का, यू बाबा का नाम का, यू दादा खेड़ा का नाम का। तो इस प्रकार की दुआ मांगा करे, बोले परमात्मा सबका नाम का दिए, और वो गंगा की तरह पवित्र आत्मा के भगवान रूपी मेरे सारे किसान बहन भाइया ने जेपी जाखड़ और फील्ड मार्शल कृषि यंत्र की तरफ से आज जोड़ के राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे किसान भाइयों, आज आप पहुंच रहे हैं जिला दादरी, और दादरी जिला का गांव है भाई छपार कितलाना के पास में, और भाई उरे आप पहुंचे, आपने दिखा है फील्ड मार्शल का जो रोटरी विडर है, पावर विडर है, जो बाड़ी आलन का रोटावेटर जिसने बोला यहाँ पे भाई बाड़ी आलन का रोटावेटर उड़ा चलन लग रहा है। और भाई मेरे कैमरामैन ने कहा चुगरदा को घुमा के दिखाओ, इसके अंदर इतनी साटी जम रही है बेअनुमान, भाई वह किसी भी तरीके से काबू आने की कोनी। पहले आपने देखा होगा मेरे किसान भाइयों, बद्दा का गला है, ऊँटा का गला है, और बद का गला जो दाड़ी चल लिया करता साटा लेके, और बर्रे बर्रे आ रहा हुई रहा कर दी, और पसीने पसीने तो बैल रहा करता गऊ का जाया, और भाई पसीने पसीने यू भगवान का भगत अपना किसान रहा करता। तो मेरा जो भोला भाला किसान एक खून पसीना होया करता, सारा कुणबन ले लागे रहा करता, तो आज उस चीज़ का समाधान आपकी फील्ड मार्शल कंपनी ने, आपकी किसानों की कंपनी ने निकाल दिया। और भाई परिचय करवाओगे अपने किसान भैया थे, भाई राम राम। राम राम, आपका परिचय दो पहले दो। मेरा नाम रवि है भाई, गांव छपार, जिला चरखी दादरी। रवि भाई, अपने किसान भाइयों ने राम राम करो। राम राम भाई, सारा राम राम। और आपका क्या नाम भाई? नवीन नाम है भाई। नवीन है, आपका गांव? छपार है भाई। आप नवीन और रवि दोनों छपार गांव से हैं? छपार। तो आस पास के गुआंडी गाँव कौन से है अपने? अपना रस्सीवास, नरसिवास, सारंगपुर, डोकी। डोकी कितलाना बोले रहा? हाँ, डोकी कितलाना, बरसाना, बिरी। अच्छा, बिरी छपार। बिरी छपार। अच्छा, इसी बिरी छपार बोले? हाँ, बिरी छपार। तो आज आप इस बिरी छपार में हाँ भाई, और उरे जो यू लेके आ रहे हो आप पावर विडर, यू कद लेके आए थे आप? ये 2 साल हो गया जी। 2 साल हो गए। 2 साल में आपका जो यू नोड़ा पत्ता का जो काम है वो कितना आसान होया होगा खेत का? वो तो जी घना फर्क पड़ रहा है बहुत, आधा मतलब 5 मजदूर लग गया कर दो तो एक आदमी काम करे, जड़े 5-7 मजदूर काम करे कर दे उड़े एक आदमी अपना, जिस तरह ये इसका सारा सारा जो रहेगी तो टापे मारिया करे हैं। पेड़ का सारा सारा, हाँ, पेड़ का सारा सारा जो रह जे है जड़ा का है उसमें आप एक कदम भाई खुद है समार लो भाई, एक आदमी 1 किलो सारे दिन में करते, एक आदमी 1 किला सारे दिन में कर देगा। हाँ। और नहीं तो 20 आदमी भाई कौन बन का था काम? यो 20 50 भी कौन? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, यू 50 आदमियां भी, क्योंकि जो साटी है नहीं, साटी भाई बाड़ी का जमा जड़ा में बैठ रही है, गल्ले डीला है, और भाई साथ की साथ इसमें दिखाई दिया भाई जो यू डीला है, सामक है, और भाई इस तरीके का जो दुबड़ है या जाम रही है, और गनखरिक जगह तो झाड़ भी जामया हुआ है कांटेदार, और डाब जामया हुआ है, और वे कुंदरा है वो जामया हुआ है, वे बथुआ भी जामया हुआ है, तो इस प्रकार के जो खरपतवार है वो जामया हुआ है। वे स्प्रे तो करा तो अपने वे बाड़ी का पौधा ने सीधा का, क्योंकि बाड़ी का जो पौधा है अपनी कपास का जो पौधा है, अगर वो खरपतवार का उसके साथ में आप स्प्रे मारेंगे तो वो उस स्प्रे उसने कमजोर करा, कमजोर करा, और इसकी आप खुदाई करांगे, नलाई करांगे, खोदी करांगे, तो भाई इसका एक अलग पड़ो हाला ग्याग्रह है, जिस तरह आप कह दें भाई एक घीसा गल जाएगा इसके में, यही बात है। हाँ, सट्टी की खाद बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, जो यह सट्टी है इसका जो खाद बनके वह एक जिस तरह भाई एक इंसान और एक अपना जो कमाऊ आड़ी का शरीर में जैसा घी काम करे है वो काम घी वाला काम या साटी करे करे बिल्कुल करे। तो और अपने किसान भैया ने क्या कहना चाहोगे भाई, इसमें 2 साल हो गए आपने बताया भाई? देखो हम तो फील्ड मार्शल की लेके आ रहे हैं, हमारे तो 2 साल हो गई, बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, हम तो यह कहा भाई लियाओ तो फील्ड मार्शल की ले लियो, और मशीना तो इसमें 1.5 क्विंटल तो वेट भी फालतू है, एक तो यह उछल उछल इस तरह कई उछल लाग जाए, बिल्कुल सूखा पड़ा है। आज का जो टाइम है भाई परमात्मा तो बरस कौन रहा, बिल्कुल, और आज तारीख शायद 9-10 होगी, छठा भी नहीं, छठा भी नहीं, अरे भाई ई बोले परमात्मा ने नहीं एक टोपा भी कौन दिखाया है,
धूल उठन लग रही है भाई, थोड़ा नजदीक आके दिखाइयो इसका। मैं बिल्कुल धूल उठन लग रही है भाई, एक टोपा भी आज तक परमात्मा ने नहीं दिखाया, तो यू कारण है भाई इसके अंदर यह चीज जमी जमाई चल गई। तो यू धड़कन वो जो कागरे नहीं बस धड़क कर फड़क इसमें किमें भी नहीं पाओगी आपने। तो रवि भाई यह देखा आपने जो यू इसके अंदर आपने कोई धड़क फड़क नजर नहीं आई? ना जी, कोई धड़क फड़क कुछ नहीं है। तो ये अपने किसान भाइयों ने जिस तरह इबे आप यू काम करने लग रहे हो जी, तो अंदाजा बे किराए पर जो कोई भाई करवाना चाहे, क्योंकि जो इतना जबड़ बैठ रहा नहीं, थोड़ा मोटा तो आप बे वो जो आलवा काट दिया करा, हाँ त्रिफाला काट लिया, हाँ आर बे ढींगा बोल दिया करा, हाँ बे ढींगा काट दे कल्टीवेटर, उसका भी काम चल जाए। लेकिन यू तो बहुत ज्यादा घना हो रहा है, और यू कटिंग करेगा एक वो काट के जगह वो जड़ जड़ ने उखाड़ के जाओगा, दो दिन और उसे दिक्कत रह गया तो वह दोबारा तय वह जड़ है वह हरी हो जाएगी, हरी हो जाएगी बिल्कुल, और इसमें इसका बिल्कुल खाद बन जाएगा। तो अगर और अपना जो किसान भाई कोई दूसरे खेत में करवाना चाहो तो इसका प्रति एकड़ भाड़ा लगभग कितना? 2000 रुपया लें जी, हमारा गांव में भाड़ा तो 2000। हाँ अभी तो भाड़ा वुडन कराया नहीं, 2000 रुपया लें। अच्छा हाँ, तो 2000 रुपये भाड़ा का अगर जब मिनिमम डीजल की इसमें एवरेज की आप बात करा, डीजल 1.5-2 लीटर, 1.5-2 लीटर में पूरा किलो मुगले कर जाए आराम से, ज्यादा 1.5-2 लीटर। अच्छा हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 मान लो भाई, 200 रुपया डीजल, 200 रुपया डीजल में अगर आप माड़ा तो माड़ा भाड़ा भी माना भाई कई जगह, क्योंकि काफ़ी एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इस तरीका अड़ंगा जाए मेरे यहाँ पे 2000 ले लिए या 1500 ले लिए, ट्रैक्टर के लोड के अनुसार भी ले लिया, हाँ तो आप मिनिमम 1500 भी लगावा तो 1300 रुपये प्रति किलो के तो फिर भी बच गए, बिल्कुल 1300 बच गए। तो साथ के साथ अपना बिजनेस भी बन गया, किसान साथ के साथ मेहनत भी होगी, अपना घर का काम भी समर गया। हाँ, घर का अगर साथ के साथ आप बिजनेस की तरफ इसको देखा तो बिजनेस भी इसका बन, तो इसमें हर रोज कितना एकड़ कितना खेत आप तैयार कर सका है? इसमें 15-20 एकड़ कम से कम, 15 एकड़ तो कम से कम, 15 एकड़ तो कम से कम है, कम से कम। तो किसी प्रकार का जिस तरह आपके पास में तो यू कितना है ट्रैक्टर? 56-20 जी, बड़ा ट्रैक्टर है। तो बड़े ट्रैक्टर में ना तो लोड आना है को नहीं किसी भी तरीके, तो बहुत बड़ा ट्रैक्टर है इसकी कैपेसिटी के अनुसार। तो अगर इस पर छोटा से छोटा ट्रैक्टर की बात करा तो कौन सा चला है? आईसर 333 भी चला दे, आईसर 333। भाई मैं ये कहूँगा मेरे किसान भाइयों, अगर इस पे 30 HP 28-30 HP का जो अपना 27 HP का आईसर एक सिलेंडर है वो भी बड़ा आरामदायक तरीके से इस मशीन ने चला सके है, क्योंकि जो इसके दो पार्ट हो गए अलग अलग पार्ट में चलेगा, जो बीच वाला जो पौधा है बीच वाला पौधा, क्योंकि जो यू पार्ट है भाई इसके अंदर तो यू खालिया छोड़ रहा है, इसने एरिया कवर करना है यू बीच वाला दो भागा में है जो, तो यू दो भागा में अपना जो एरिया कवर करके चलेगा। तो इसमें यानी कुछ तो एरिया कम हो गया कुछ इसके अंदर जो ब्लेड की आप बात करा LJFC वो ब्लेड लगा रखे हैं ताकि वो लोड ना दे अच्छे तरीके से। जैसे एक कसोला की यहाँ पे बात करा भाई, कसोला ने यहाँ पे सीधा खड़े मारेंगे तो लोड ज़्यादा लेगा, मिट्टी भी कम पड़ेगा, और उसको थोड़ा हाथ टेपर में तिरछा करके मार देंगे तो लोड भी कम लेगा, काम भी बढ़िया बनेगा, अपने सब दिन हाथ दुखने लग जाए अगर आप खड़ी चोटी पर। हाँ बिल्कुल, सारे दिन तिरछा मारने में बढ़िया काम, हाँ तिरछा मारने में बढ़िया काम करेगा। तो वो जो आपका जो वीडर है भाई, यू बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर ब्लेडा जो डिज़ाइन है वो दे रखा है, यू तिरछा तरीके से अपने सारे खेत की या जो खोदी है यू करदा आने लग रहा है। तो यू दिखा दो आप मेरे किसान भाई, यू बड़ा अच्छा तरीके से शानदार तरीके से यू चल लग रहा है भाई। यू ट्रैक्टर है 56-20 यू ट्रैक्टर है भाई, रोक ले कर ले बंद भाई। राम राम। राम राम भाई जी, आपका नाम अपने किसान भाइयों ने बताओ? नाम सुमित है भाई। भाई सुमित तर प्यार तर लाड तक एक है, मोनू कह दे भाई, लाड का नाम इसका मोनू है। और भाई आइए आपका क्या नाम है, क्या नाम इसका लाड का? भाई संडी नाम है, संडी। ये देखे भाई संडी भाई आ गया है। और भाई महाराज तो जो हरियाणवी कल्चर है नी यू अलगे है, इसार का नहीं तो खड्डूर खड्डू और गप्पू और इस तरीके के नाम आगने लाल लाल और श्याम सुंदर
और शमन अभी शमा का आग्रह अर्ध नरवाना कहानी में साजा सागा पा है। तो इस तरीके से आधे आधे नाम दिया गया। बैरा अपने आपका परिचय होया भाई संडी थे और बे जला दादरी में। तो संडी भाई अपने किसान भाइयों ने राम राम करो। राम राम भाई किसान भाइयों ने। तो संडी भाई कितना बढ़िया मजा आया क्योंकि सारा दिन खास बात हो भाई अपना जो एक किसान और मैंने कहा अरुण भाई गंगा की तरह पवित्र आत्मा का, क्योंकि गंगा की तरह पवित्र आत्मा का क्यों है भाई, इसके अंदर जब यू बेजाई करेगा नहीं, जब यू कोई भी अन्न की बेजाई करेगा तो उस टाइम वो इनू का आग्रह बोला मना रब ने देगा सब ने, और भाई एक एक अन्न का दाना छोड़ दा रहेगा का गले मुन्नी का गले जब बोया कर दे। बोला यू कुमार के नाम का, यू चमार के नाम का, यू लुहार के नाम का, यू सुनार के नाम का, और भाई यू पंडित का नाम का, यू मरासी का नाम का, यू बाबा का नाम का, यू दादा खेड़ा का नाम का। तो इस प्रकार की दुआ मांगे करें बोला परमात्मा सबका नाम का दिए, और वो नुकारे मिला खाना वाला के दाना दाना पे मोरो है। तो यू किसान है, यू गंगा की तरह पवित्र आत्मा का न्यूस है, यू खाने वाला बोंदिया नहीं है, मोर लगा देगा यू सन पे, क्योंकि मोर क्यों लगा देगा, यू उसका नाम लेके बजाई करेगा, परमात्मा इनका नाम का भी दिए मैंने। तो यू है कि अपना जो पार्टनर अपना सीरी कैश का, हाँ ये है संडी आप इस खेती के पार्टनर हो, कौन सा हिस्सा है आपका? ये देखे भाई हिस्सेदार है इसका, जितना भी वो अपना मेहनत का है वो कर्म का है, वो मेहनत का फल लेके जाओगा। तो भाई पहले जितनी कड़ी मेहनत तो होगा संडी, और आज यू लेना मैं अगर जो पहले यू नहीं लिया रखा हों आप ने मोनू भाई ने नहीं लिया रखा हों तो कितनी मेहनत होवर मेहनत थी सारा कुण बावर मेहनत माँ ने भी लेके आवार बाका की माँ ने भी लेके आवार और भाई फिर छोटा टावरा ने भी लेके आऊँ। हाँ ठीक है। तो सारे टब्बर लागे रहा सारा दिन और पसीना पसीना होया जब भी इतना काम बढ़िया तो आज देखो बात बात बटरी है। हाँ तो सारी खुबायत कम होगी, खुबायत नहीं रही हाँ, तो बस बीच बीच के प्योंदा, प्योंदा हनन के सार अड़ंगों पाड़ना पड़े है। हाँ हाँ। और तो कितने जरूरत कौन तो भाई अगर जे आपे ने यू पूरा दिन जिस तरह यू टापे है मारने पड़ जाए के बोले अगर बीच में संडीन थी कसोला ले रहा था जब दिखाओ था। हाँ के बोले अगर आप इस आपके एरिया में इस खुड का जो आप निदान करना पड़ जाए तो खुड बोलना है ना। हाँ हाँ क्यों कई जगह है नहीं अलग अलग भाषा में बोलो टप्पे मार दो टप्पा मारना पड़ेगा अबे खुद है इसने क्लियर कर दो भाई इसने हाँ इसने सुझा दो टप्पा बोलना है टप्पा बोल रहे। तो ये टप्पा हाँ अगर जो आपे ने यू जिसे मार दिया इतनी बड़ी बड़ी साटी खड़ी थी चुगरदा को एरिया दिखाई भाई सारे लगभग जंडी भी खड़ी हैं और अच्छी फुहारे की याद है भाई देखो फुहारे चलने लग रहे हैं बवा जो बरसात हो नहीं कृत्रिम बरसात जिसने बोला हाँ उस बरसात तय भेज आऊँ किले। तो इस तरीका दौरा खेती हुआ है और भाई यू लगभग एक किले में कितना टाइम में आप काम कर देंगे? तो अब तवड़ा काम कर दिया दो दो आदमी ने वाले किले ने दो फरताए काट दी। अच्छा हाँ। दो आदमी दो फार अलग हाँ। यानी कि एक आदमी अगर जो शाम सुबह भी जोटा हाँ। मारा है किला लेकर जा किला लेकर जे हाँ। और भाई अपने पहले जो टाइम होया कर दे मेरे किसान भाइयों के का अगर दे एक जमींदार के अलग टाइम होया कर एक तो बोला सवेरे सी जोटा मारांगे और फिर बोला कलेवारे सी मारांगे और दोपहर सी करांगे आराम और फिर हैंडी बेरे सी लग जावांगे और फिर बोला सांझ वाई तई वारी तई आपे जोटा मारांगे न्यू मारा करते अभी तो 10-11 बजे तक जोटा मार के ना बैठा ले फिर ना खराब हो जाए। हाँ तो ई बरा क्या भाई सवेर तक लेके आपे 11 बजे लग ज्यादा से ज्यादा जोटा मार देंगे रे भाई 5 बजे या 4 बजे भी आए पाछा लागे तो भी पूरा किला एक आदमी एक किला न कर सका है दो आदमी दो किले न कर सके दो आदमी क्योंकि दो आदमी दोपहर लगा ऐसा कर सका दे। तो भाई आपे दो आदमी अगर जो सवेर तर शाम लग के आपे बात करा हाँ दो जोटे की दो जोटा की एक तो सवेर है तो कले वारा तई और आंडी वारा तो सांझ तई तो भाई दो किले आपे बड़ा आरामदायक निकाल सका। तो संडी भाई अपने किसान भाइयों ने क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों ने बढ़िया चीज सही है अपने ले आओ और खुबात कम से भाई इसमें खुबात कम है। तो मनु भाई हाँ जी अपने किसान भाइयों ने क्या कहना चाहोगे? भाई गजब का इम्प्लीमेंट है यो यो नहीं जो भी इम्प्लीमेंट बनाओ है हाँ। एक जिस तरह वो आ रहा हमारे गांव में 813 सुपर फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन सुपर सीडर आ रहा है हाँ। मंजीत भाई साहब के पास हाँ। वो भी बढ़िया चल रहा है
ट्रैक्टर छोटा, रोटावेटर बड़ा, तेल की डीजल की खपत कम, हाँ जमा भी जोर नहीं आवे ट्रैक्टर भाई। बिल्कुल भाई, वो भाई तो हमें मिले थे और वो एक बात ने बार बार कहा था जिस टाइम लेन गया था, भाई जाखड़ साहब मेरे पर ट्रैक्टर सोनाली का 745 है, उस पर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? यह बात तुम्हारा ही नहीं जैसा थी। हाँ एक शुष्क चाल जाएगा कि 8 फुट का सुपर सीडर मान ले, हाँ हाँ 45-48 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होगा वो, हाँ उसका हाँ। चाल जाएगा कि या तो मैं जितना वाली बात नहीं है, हाँ। कोई कंपनी दावा ही नहीं करा कोई चाल जाए और वो चालना आ रहा है, हाँ भाई देख तो, क्या हमारे वो तुम्हारा सह पड़ोस में है चाल रहा हाँ। है देख क्या हम तो इसका मनु भाई आपकी कंपनी ने दावा करा था वो 48 HP का नहीं, उसके अंदर 15 HP और प्लस होगी है। बिल्कुल सह, अगर आप बात करा तो वो 63 HP का ट्रैक्टर हो गया है। बिल्कुल भाई जद्यो चल रहा है भाई साहब, हाँ। ना तो बड़ा बड़ा ट्रैक्टर हूं कौन चल रहा है, क्योंकि जो आपकी फील्ड मार्शल 813 है उसके साथ में 15 HP का एक्स्ट्रा पावर का इंजन आपकी कंपनी दे है। जो भी इम्प्लीमेंट है भाई साहब आपका वास्तव में बहुत बढ़िया दी बेस्ट है, हाँ। जो भी है हम तो दो इम्प्लीमेंट तो फिलहाल बढ़ता है, जिस तरह एक तो यो है कॉटन वीडर है, एक वो पड़ोसी का देखा है उसके अमीन गेहूं भी बुआया था, तो मतलब दोनों इम्प्लीमेंट बढ़िया बिल्कुल, कोई हाँ। आवाज नहीं, कोई और किस कोई खर्चा नहीं, कोई टूट फूट नहीं जी। और भाई एक और सबसे बड़ी खुशी की बात भाई, इस गांव में मेरा भाईचारा भी मन मिल गया। जाखड़ा के कितने घर शहर है? घरों जी 85 घर है, 85 घर है, हाँ जी। तो भाई जाखड़ और सांगवान, हाँ इनका पुराना भाईचारा भी रहा है जाखड़ और सांगवान का, बिल्कुल है। तो यू भी मारा भाईचारा कामयाब था, एक अलग से फील आग्रह है जब भाईचारा पाए नहीं मैंने बहुरे अपना जो भाईचारा है वो भी मिला इस गांव में। और आसपास के गांव कौन से? आसपास तो नरसुवास है जी, छपा राशिवास हो गया, डोकी हो गया, बरसाना हो गया, हाँ डुडियाला, रामपुरा, हाँ। अटेला, सारंगपुर, हाँ और बिरी है, माणकास है, हाँ भाई घना है, 40 गांव है सांगवाना जी। अच्छा, हाँ तो सांगवाना का सबसे बड़ा क्षेत्र है यू? हाँ सांगवाना का सबसे बड़ा क्षेत्र, हाँ। है जी। इस तो आगे फिर अपना लोहारू की तरफ शोराना का है जी? हाँ लोहारू की तरफ शोराना आ गया जी, हाँ। तो ये देखे भाई यह जो कंपनी है मेरे किसान भाइयों या आपकी है, इसके असल मालिक आप हैं, क्योंकि इसका मजा जदे है भाई जब आज आप खेत में आए कि अपने किसान भाई तो आज किसा फील कर रहे होगे मोनू भाई? भाई जब मना आया कि ये पूछा मोनू भाई आपकी मशीन में कोई दुख तकलीफ आज लगाई के, और बार बार मैं फोन पर आप तो अपडेट लेता रहूं, तो वो आपने के फील करे भाई? बहुत बढ़िया फील करे है, पिछले साल भी आपने फोन कराया 2 बार, हाँ और उससे पिछले सीजन में भी कराया है, हाँ हाँ। और अब की बार मिलने आया गया मशीन, हाँ। देखने चाल दी देखने खतरा आया गया आप, बिल्कुल बहुत मन खुश होया भाई। जो मालिक हो ऐसा मालिक होना चाहिए कंपनी का भाई, आपका जो मतलब इसमें अपना आपको ये फील होया भाई इसके असल मालिक हमें, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि इसका कारण है मेरे किसान भाइयों ये कंपनी ही आपकी है। एक किसान के बेटे ने आज आपका घरों से सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, आपकी कंपनी इसार की एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में लगातार 2018 से आज तक पहले स्थान पर रही है तकनीक की मामले में, और आज आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं जो जा रहे हैं आज विदेशों में जाने लग रहे हैं भाई साहब, टोपरी है बिल्कुल, हाँ। आपने देखा था नेट पे भी देखा था, हाँ इशार यूनिवर्सिटी में आम गया भी था, मेला ताऊ भी गया था, काका भी गया था, हम वहाँ यूनिवर्सिटी में गया था, हाँ हाँ तो मिला भी था हम, हाँ हाँ। वहाँ तो देखा था जित बहुत बड़ी मशीन थी, मशीन की सारी देखी थी, तो आपकी बढ़िया मशीन थी जी बहुत टॉप। तो यही है मेरे किसान भाइयों, आपकी दुआ से, आपके प्यार से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आपकी जो कंपनी है आज विदेशों तक है, आपका व्यापार बढ़ा रही है। तो मेरे किसान भाइयों मिलेंगे कोई और नए किसान साथी के साथ में, नए हिस्सेदार के साथ में, नए पार्टनर के साथ में। ईव दे दियो हमने इजाज़त भाई, राम राम, धन्यवाद।